सोलन में आग में जले बेजुबान। सोलन के समीप तोप की बेड़ में बीती रात्रि एक गौशाला में अचानक आग लगने से उसमें बंधे हुए दो पशु जल गए। घटना बीती देर रात की है। तोप की बेड़ गांव में रहने वाले हेमराज उर्फ दुनी व परिवार के सदस्य अपने किसी रिश्तेदार के यहां समारोह में गए हुए थे, तभी अचानक उनकी पशुशाला में आग लग गई। आग लगने से गौशाला में बंधे दो गायें और एक बछड़ा जिंदा ही जल गए। जैसे ही ग्रामीणों को आग लगने की सूचना मिली तो सभी ने मिलजुल कर आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले ही गौशाला पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे और आग से होने वाले नुकसान के आंकलन में लग गए और आग कैसे लगी उसकी भी जांच की जा रही है। आज रात को 11 बजे हेमराज की गौशाला में आग लगी, जिससे हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा कि आग भयानक रूप धारण कर चुकी थी कि गौशाला को बचाना नामुमकिन हो गया था। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि उसमें दो गाय और एक बछड़ा बंधे हुए थे, जो कि उसी में जल के राख हो चुके थे। गांव वालों ने आग बुझाने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। उसके दौरान हमने पुलिस प्रशासन को भी सूचित कर दिया था, जिससे कि पुलिस वालों ने उनके बयानों को दर्ज कर दिया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। हम गांववासी प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इन गरीब लोगों को जो उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए फौरी राहत के रूप में कुछ ना कुछ अनुदान राशि प्रदान की जाए। एन स्टार न्यूज़ के लिए सोलन से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।